भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी 40% विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से सन 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। युग दृष्टा और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को 9 साल पहले ही सन 2021 में हासिल कर लिया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों से हम सब ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने में सफल हो रहे हैं। सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत ने गत 8 वर्षों में दुनिया को सौर ऊर्जा के जरिए जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे कदम के पीछे यही भावना है। बिजली सब तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे, इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर यही सोच है जहां ऊर्जा को जन भागीदारी से जोड़ने पर फोकस है। आज भारत में सौर ऊर्जा ने सामान्य ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। घर, दफ्तर या कारखाने की छत हो या कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40% और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20% की वित्तीय सहायता देती है। अब तक करीब 4 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। इसको और आसान बनाने के लिए अब एक नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर एप्लीकेंट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन व ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगवाना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है, यानी नेशनल पोर्टल रूफटॉप सोलर स्कीम का लाभ जन जन तक ले जाने में निभाएगा अहम भूमिका।